बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामियात एमसीक्यूज़ के सिलसिले में पार्ट नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले 6 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो नंबर 1 नहीं देखी तो इसका डिटेल जो इसका खुलासा है वो वीडियो नंबर 1 में मैं बयान कर चुका हूँ और जिन दोस्तों ने पार्ट 1 नहीं सुना है या उसको नहीं वॉच किया है तो उसको लाजमी वॉच करें। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 51 है। जिस बुक को हमने शुरू किया तो इसमें 41 सेट्स हैं टोटल, उनको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51, कफारा किस मजहब का अकीदा है? दिस इज ईसाइयत, ऑप्शन जीम करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 52, ज़कात की अदायगी के लिए बकरियों का निसाब, भेड़ बकरियों, इसमें भेड़ भी शामिल है, 40 भेड़ या बकरियों में से एक भेड़ या बकरी ज़कात है। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, 53 ज़विल अरहाम, ये इससे क्या मुराद है? तो इस बारे में जब वरासत की एमसीक्यूज़ हल करेंगे तो इसको मैं काफ़ी डिटेल से आपको बताऊंगा, लेकिन जस्ट यहाँ पर जिन लोगों से रिश्तेदारी बजरिया रहम हो यानी उनके लिए ज़कात में मुअय्यन हिस्सा ना हो, ठीक है? तो ये ज़वील अरहाम कहलाते हैं, आप शानदार करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 54, खमस एक्चुअली 5 को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर माली गनीमत की बात है तो माल गनीमत का 5वां हिस्सा खमस कहलाता है, ऑप्शन जी में है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, गैर मुस्लिम मालिक के मकान मालिकान जमीन से जो टैक्स लिया जाता है उसे खिराज कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर उशर की बात करें तो उशर क्या है? तो उशर का मतलब अशर या उशर, इसका मतलब है 10वां हिस्सा। तो एक तो ज़कात है, ये नकद माल पर होता है, लेकिन ज़मीन पर की पैदावार जो है उस पर 2 किस्म के उशर हैं। एक ज़मीन ऐसी है कि जिसके लिए आप पाशी का पानी आप ख़रीद कर लाते हैं या उनके लिए मशक्क़त उठाते हैं, तो उसमें से निस्फ़ उशर आपने देना है। लेकिन ऐसे ज़िम्मेदारी, ऐसा कैद जहाँ पर कोई मशक्क़त पानी और कुदरती तौर पर हो तो 10वां हिस्सा देना पड़ता है, तो उसको उशर कहते हैं। इसका कोई निसाब नहीं, जितना मर्जी 1 मन भी हो जाए तो उसमें से देना, 100 मन भी हो जाए तो उसमें से देना है। जिस तरह नकद रकम है उसका एक निसाब है, इसके लिए ऐसा कोई हिसाब नहीं है। जिज़िया किसको कहते हैं? जिज़िया ऐसा है कि जब मुसलमान ममालिक गैर मुस्लिम ममालिक पर कब्ज़ा कर लेते हैं, उन पर जंग करके उसको पता कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो वहाँ के लोगों को दावत देते हैं कि मुसलमान हो जाए। अगर वो मुसलमान नहीं होते तो उनसे फिर जजिया लिया जाता है, और जो लोग जजिया देते हैं तो उसको अहली जिम कहते हैं, अहली जिमा या जिमी कहते हैं, और वो अपने मजहबी और अकायद में आज़ाद होते हैं और उनकी हिफाजत करना वगैरह वगैरह हुकूमत की जिम्मेवारी होते हैं। इसमें बूढ़े बच्चे डिसेबल होते हैं, उस पर उसको लिए उनको जजिया जो है ना वो माफ़ है, ठीक है? और जिजिया आप नकद भी दे सकते हैं, वो लोग नकद या जिन्स की सूरत में देते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जिजिया का जो रकम थी उसकी तारीख कम से कम 6 दिरहम थी और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिरहम सालाना थे, और जो इंतहाई गरीब लोग थे तो उनको माफ था। क्वेश्चन नंबर 56 थे कि खिराजी वजीफा से मुराद क्या है? खिराज कैदों की पैमाइश के लिहाज से खिराज मुकर्रर करना, ऑप्शन डाल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 57 जदीद इल्मी जराहत का बानी अबुल कासिम अल-ज़हरावी। और क्वेश्चन नंबर 58 है, किताब अल मनाजिर किस मुस्लिम साइंसदान का है? इब्न हिशाम का है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद मूसा ख्वारज़मी ने साइंस के किस शुबा में शोहरत हासिल की थी? इल्म रियाजी में। और क्वेश्चन नंबर 60, कानूनी मसऊदी किस मुस्लिम साइंसदान का तस्नीफ है? अबू रेहान, ऑप्शन अलिफ है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, अमराज के मुताअद्दी होने का नजरिया किस मुसलमान तबीब ने पेश किया था? इब्न अल नफीस, ऑप्शन बा करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 62 देखे किस उम्मवी खलीफा का दौहर, ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है। ठीक है, अहद बनी उमैया का सुनहरा दौर कहलाता है, वलीद बिन अब्दुल मालिक, और ये बन उमैया का 6 नंबर पर खलीफा थे। क्वेश्चन नंबर 63 देखे 63 उम्मी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में कौन सा जर्नेल था जो साहिल ओकियानूस तक पहुंच चुका था? मोसा बिन नजीर। और 64 नंबर क्वेश्चन देखिए किस अब्बासी हुक्मरान ने प्लास्पा यूनान की किताब के तराजुम कराए थे? मामून रशीद। ऑप्शन बा करेक्ट है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है, कौन सा मुसलमान हुक्मरान सलीबी जंगों का हीरो कहलाता है? सलाहुद्दीन अयूबी। और क्वेश्चन नंबर 66 देखे 66 गतीबा बिन मुस्लिम जर्नेल था, किसका? अब्बासियों का था। ऑप्शन दाल है। और क्वेश्चन नंबर 67 कहते हैं कि वादु वहीद किस मकतब फिक्र के पांच उसूलों में से है? मुताज़िला के बारे में काफ़ी डिटेल से मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, इनकी तारीख और इनके जो अकायद हैं। और 68 अलकामिल बिल तारीख का, इसके मुसन्निफ इब्ने असिर हैं, आलिफ हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 69 ये किस मुसलमान हुक्मरान का कौल है कि मैं बहुत सी मुल्कतों का परमान रवा, 3 बराजमों का शहंशाह और 2 समंदरों का मालिक हूं? ये सलेमान आजम। ऑप्शन दाल है। और क्वेश्चन नंबर 70 देखिए फातिह उंदलस किसको कहा जाता है? ये भी इंतहाई अहम क्वेश्चन है, ये तारिक बिन ज़ियाद को। 71 नंबर क्वेश्चन देखे तारीखी इमारत अलहाम्रा कहाँ पर है? ये गरनाता शहर में है। अलिफ। ऑप्शन बा करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 73 देखे असीरत नबविया था, ये इब्न हिशाम, ये तो पहले भी गुजर चुका है। और 73 नंबर क्वेश्चन देखे इब्न रुश ने अपनी किताब तहापतुल तहापता किसके रद में लिखा है? तहापतुल पलासपता। ऑप्शन अलिफ। और क्वेश्चन नंबर 74 देखे 74 तहरीक इख्वानुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखी गई थी 1928 में। क्वेश्चन नंबर 75 दोहा किस इस्लामी मुल्क का दारुलहुकूमत है? तो यह कतर का है। 76 नंबर क्वेश्चन देखे अलरूजुल अनफ इसके मुसन्निफ अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला सहेली। और क्वेश्चन नंबर 77 देखे 77 ये क्वेश्चन पहले गुजर चुका है, ऐसा इसम जो लफ्ज के एतबार से तो मुफरद हो लेकिन मानी के लिहाज से जमा बोला जाता है, इसमें जमा कहते हैं उसको। अलिफ। और क्वेश्चन नंबर 78 इंसानी कामिल किसकी तस्नीफ है? डॉक्टर खालिद एलवी। 79 नंबर क्वेश्चन देखे ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। 79 नंबर ग़ज़वा बदर में मुहाजिरीन का आलम झंडा किसके हाथ में था? असरद हजरत मसहब बिनी उमेर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये महाजरीन का लफ्ज़ इसमें याद रखे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत और भी झंडे थे। तो आखिरी क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 80 ये भी इजी क्वेश्चन है कि जिस फेल में किसी काम के करने से रोका जाए तो पहले नहीं कहते हैं उसको। ऑप्शन आलिफ करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था दोस्तों आज का पार्ट, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।